एतदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलित पादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय जातय अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। इस दरवाजे को खोल दो, दूसरे को बंद कर दो। यहां लाओ उसको। ले जाओ मुझे, उसे ले जाओ। पीछे ले जाओ उसको, नीचे दबाओ उसको। ठीक है, वहां लगाओ, फिर लगाओ और बस। देरी हो गई, बहुत सी व्यस्तताएं थी और कल पहली बार ऑनलाइन डिबेट पे था, कुछ संतों को समाज के उत्थान के लिए और गौड़ीय समाज में कुछ भ्रांति थी तो उसका जवाब दे रहा था। पिछले रात को कथा में नहीं था, परंतु कल श्री राधा रानी की विशेष करुणा कृपा का अनुभव हुआ। जब गुरुदेव की कृपा होती है, जब जीव गुरुदेव के चरणों में शरणागत होता है, तब उसे श्री राधा रानी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, अपने इष्ट की कृपा होती है। इष्ट और अभिष्ट दो तत्व है। इष्ट से कुछ मांगना अभिष्ट होता है, अभिलाषा, अपने इष्ट से अभिलाषा। कहते हमारी अभिलाषा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कल अपने इष्ट से अभिष्ट का थोड़ा एक अलग अनुभव हुआ। मेरे इष्ट देव जो हैं बलराम जी,
और उनसे अभिलाषा हुई, अभिष्ट श्री राधा गोविंद जी के चरणों की धूल बन जाए। तो ये बड़ा सौभाग्य होता है जीव का, जबकि उन्हें राधा गोविंद जी की लीला का, गुणों का, जहाँ लीला नहीं तो आभास लीला का अनुभव हो। दो तरह का दर्शन है, एक है स्पष्ट लीला हो रही है उसका दर्शन, एक है लीला हो रही है परंतु दर्शन नहीं हो रहा, आभास हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, लीला हो रही दर्शन नहीं हो रहा आभास हो रहा है। लीला हो रही दर्शन होता है जब, तब सब कुछ, सब लोग, सब जो जो उस लीला में चल रहा है वो सब होते हैं, लेकिन जब लीला चल रही है आभास हो रहा है तो अपनी भावना के अनुसार केवल अपने भावों तक और भगवान के साथ में लीला के परिकर जितने हैं जो कृपा कर रहे हैं केवल वहीं तक होता है दर्शन या भास है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, ऐसा कैसे सूर्य प्रकाशित नहीं हुए, सूर्य तो हमेशा प्रकाशित है, केवल अभी हमारे को दर्शन नहीं हुआ, दर्शन ना होने से पहले उसके आभास से अंधेरा भाग गया। ऐसे लीला दर्शन होने से पहले जीव को अपना अनुभव होना और भगवान की लीला में उसका क्या प्रवृत्ति है, उसकी कहाँ पे आसक्ति है, वह उस लीला में कहाँ पे अपने आप को पाता है, ये आभास है। बातें बड़ी सूक्ष्म भी हैं और बड़ी स्थूल भी हैं, समझने लायक है। अभी कुछ दिन पहले हमारी गुरु बहन ने मुझसे पूछा, महाराज अब तो बताओ कि हम क्या करूं, क्या करें। मैंने कहा इतना माला करती रहती हो, 24 घंटे माला घिसती रहती हो, और क्या करना है। मैं कहा आपको गुरुदेव का स्मरण होते हुए अश्रुपात होता है हरिनाम करते हुए, हरिनाम करते हुए गुरु जी का स्मरण नहीं हो रहा, क्या नाम प्रभु का स्मरण हो रहा है। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस हरिनाम चल रहा। तब मैंने कहा हरिनाम चल रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, बहुत माला करती हूं, अनुभव नहीं हो रहा है तो इसका कारण क्या है, क्या आपने अनुभव करने की कोशिश की। कहते कोशिश कैसे करनी है। आज थोड़ी सी मैं बात जैव धर्म जी से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राधा रानी की कृपा का आभास अगर हो तो कैसे होता है जीव का अनुभव, उसकी चर्चा करने की इच्छा है। कोशिश कैसे करनी है, मैंने कहा कि कोशिश ध्यान से करनी है। ध्यान क्या करना है, ध्यान ये करना है जो तुम्हें अनुभव है, जो तुम्हें स्मरण है, उस स्मरण को जागृत करना है। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द जो है ना, इस वक्त मैं जो बोलने वाला हूं मैं कोई प्रिपेयर नहीं हूं, लेकिन मेरे सामने घूम रहे हैं वो शब्द, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा।
जो आपको स्मरण है, संस्मरण में है, गुरुदेव का स्वरूप जब आप मिले थे, जैसे आप उनको दर्शन किए थे, कहीं का भी वह स्वरूप को आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए। कल्पनाओं में जाने की जरूरत नहीं है, उसे याद कीजिए कि जब गुरु जी ने हरि नाम दिया था तो वह हरि नाम देते समय कैसे बैठ करके कैसे उन्होंने मुझे सुनाया, और सुनाते समय गुरु जी किस प्रकार से उच्चारण कर रहे थे। उन सबको आप गुरु जी का जो महामंत्र हमने 108 बनाया है, जिसमें गोवर्धन इत्यादि के जो पशु पक्षियों की लीला है, मतलब आवाज है, वो गुरु महाराज जी का स्मरण करते हुए ध्यान रखना, वो लीला को स्मरण करते हुए अपने दिमाग को काम में लगाओ, दिमाग को स्मरण में लगाओ, मुख से नाम करो, तो तीन कार्य हो जाएंगे, शरीर से, वाणी से, नाम स्मरण से, गुरुदेव का स्मरण। याद रहे, ये स्मरण क्रिया अगर नहीं करते हैं तो जितनी भी हम साधना कर रहे हैं, जितना भी हम भजन कर रहे हैं, भगवान की कृपा तो होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन जीवित रहते हुए अनुभवों में डूब करके और भावनाओं में कृपा के बह करके उन्हें याद करते हुए, जब उन्हें याद करते हुए हम करेंगे तो याद रखना होगा क्या, योग माया की क्रिया शुरू हो जाएगी। योग माया की क्रिया क्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम जुड़ना चाह रहे हो, तुम गुरु जी के साथ हरि नाम कर रहे हो, और वो जुड़ने की जो तुम्हारी लालसा है, वो महामाया का द्वितीय स्वरूप योग माया। योग माया स्वयं बलदेव जी हैं, योग माया ब्रह्म है, महाज्योनी ब्रह्म, भगवान ने गीता में कहा है कि वो जिससे सारी सृष्टि होती, वो ब्रह्म जो है वो महाज्योनी है। तो वो उनकी क्रिया शुरू हो जाएगी, और वह क्रिया शुरू होते ही, जैसे वो क्रिया शुरू होगी, आपके स्मरण में जो आप जबरदस्ती कर रहे हो गुरुदेव का स्मरण करने के, ग्रंथ मत पढ़िए, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, मन को लगाया जबरदस्ती, अरे बाबा ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि भाव में नहीं जा सकती, ज्ञान विज्ञान में जाएगी। प्रवचन सुनते हुए गुरु जी का हरि नाम करोगे तो तुम्हारी विद्धि बुद्धि ज्ञान विज्ञान तक जाएगी। गुरु जी के भावों का स्पर्श नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा जी। यही तो ध्यान है, हरि नाम ही तो भगवान है, हरि नाम ही तो गुरु है। हाँ, स्मरण गुरु जी का कर रहे हैं, हाथ में जपमाला है, वहां पर मंत्र पूछ रहा है। देखिए, हमारे प्रभु जी ने बोला कि मंत्र तो महामंत्र कर रहे हैं और स्मरण गुरु जी का कर रहे हैं। गुरु जी का स्मरण करते हुए हरि नाम जब करते हैं ना, तो युगल सेवा होती है। कैसे युगल सेवा होती है? भक्त और भगवान की सेवा। भक्त शिरोमणि गुरुदेव, मैं आजकल के मेरे जैसे व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें आचार्य पद मजबूरी में लेना पड़ा, मेरे को अपनी बात करता हूं, मजबूरी में लेना पड़ा,
कि गुरु परंपरा की रक्षा के लिए लेना पड़ा, लेकिन इसकी सूक्ष्मता को समझिए। गुरुदेव अत्यंत भगवान के प्रिय भक्त, भक्त शिरोमणि, और भगवान कभी भी अपने नाम को करने वाले के ऊपर साक्षात कृपा नहीं करते अगर गुरु उनके साथ नहीं है तो। हम हरि नाम करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, हम हरि नाम करके राधा गोविंद को निहार रहे हैं, हम हरि नाम करके राधा गोविंद की सेवा कर रहे हैं, ये कनिष्ठ भक्त की बात है। सुना था ना, इसमें राधा गोविंद की सेवा ना मिलेगी, भावनाओं में खेलता रहेगा। जैसे कोई बच्चा गुड्डी पटोलों से खेलने की आदत पड़ जाए, भगवान के गुड्डी पटोले, कहते तुमने बना तो ऐसे ही रखा है, खेलने की आदत पड़ जाए और गुरु रूपी माँ उनके साथ ना हो, वो जीवन भर यही गुड्डी पटोलों से खेलता रहेगा। गुरु रूपी माँ जो है उसको शिक्षा देती, अच्छा देख ले अभी वो आ रहा है दूल्हा, देख इसने ये दिया तेरे को खाने के लिए, दिया दे खाने के लिए, दिया दिया किसने दिया खाने के लिए, ए दूल्हे ने दिया। वो दूल्हे के नाम से खाने को दिखाती, देख वो पढ़ रहा है ए फॉर एप्पल, वो शिक्षा देती है। वो गुड्डी पटोलों के साथ खेलते हुए बच्चे को शिक्षा देती है। इसी प्रकार आजकल गोपाल जी की सेवा लोग एकदम गुड्डी पटोलों की तरह कर रहे हैं, जहां तहां गोपाल जी को लेके घूम रहे हैं, गोपाल जी को नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, गोपाल जी के साथ सो रहे हैं, उठ रहे हैं, यहां तक कि बेड के ऊपर सुला रहे हैं। एक तो ऐसा पागल भगत मिला गोपाल जी को लैट्रिन में लेके जाता है, चल भाई तू भी कर ले। ये भावनाओं, ये सत्य बात बतला रहा हूं मैं, ये भावनाओं के द्वारा भगवान की सेवा करने वालों को कनिष्ठ कहा गया, मतलब छोटा है, उसको अभी ज्ञान नहीं है, अबोध है, बालक है। वैष्णवों के संग में भगवत सेवा ये मध्यम है, विशेष करके गुरुदेव जो नित्य परिकर हैं वो, उनका स्मरण करते हुए, क्या स्मरण करते हुए, गुरुजी ने मुझे हरि नाम दिया है, मैं गुरुजी के पीछे गुरुजी के आनंद के लिए मैं करूंगा तो गुरुजी प्रसन्न हो रहे हैं, इन फीलिंग्स के साथ में जब हरि नाम आप करेंगे, करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी कि योग माया की क्रिया आपके साथ शुरू हो जाएगी। अभी गुरुजी की क्रिया नहीं हुई, याद रखना, योग माया की क्रिया शुरू हो जाएगी कि यह अब सही तरीके से योग में लगा है, इसका अब योग शुरू हुआ है, जुड़ना शुरू हुआ है। ऐसी स्थिति में वह आपके अंदर गुरुदेव के उन संस्मरणों को अनुभव में लाएगी कि जिनकी प्रैक्टिकली, जिनका इस संसार में वर्तमान में अस्तित्व गुरुदेव का साक्षात स्वरूप से शरीर नहीं है, परंतु आपको कोई ऐसी लीला का अनुभव करा दे, गुरु जी नाच रहे हैं, हरे कृष्णा नाच रहे हैं, नाचते हुए सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, आपने प्रणाम किया, गुरु जी ने कहा कहाँ से आए, ऐसे दो चार शब्दों को आपके कानों में डालना शुरू करेगी, कब, जब सो रहे होंगे स्वप्ने में, गुरु जी का स्वप्न भी नहीं आ रहा है, भगवान जी का भी कोई स्वप्न नहीं आ रहा है, तो आप जो साधना कर रहे हैं उसके अंदर कमी है कि नहीं है, और उस कमी को सुधारने की भी इच्छा नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, कई लोग बोलते महाराज हमारा तो नाम हो रहा है बस छुट्टी, और उसके उसका उसकी डिपार्टमेंट है, अरे भाई उसका डिपार्टमेंट है, खोलने तो दो, खोलने का प्रयास तो करना चाहिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण तो है। नाम प्रयोग का डिपार्टमेंट अंत काल में मामेव स्मरण उक्ता कलेवरम छोड़ेगा तो भगवान ले जाएंगे, लेकिन स्मरण उक्तवा, स्मरण तो होना चाहिए,
मरण से पहले वो स तो आना चाहिए, स वो मरण स्मरण, वो मतलब होता है स, स आना तो चाहिए मरण के टाइम पे, तभी तो स्मरण होगा, समझे नहीं ये बात? हाँ जी, बात क्यों कर रहे हो? पकड़ तो सकते हो, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ बोलो। ठीक है, प्लस पॉइंट। लेकिन जब तक देखिए, गुरु के दर्शन भी दो तरह के हैं, मैं वो बताने जा रहा हूँ, थोड़ा उसे सुनिएगा। तो योग माया की क्रिया शुरू हुई, आपको दर्शन किनके हो रहे हैं? गुरु जी सशरीर नहीं है, आपको दर्शन कौन से हो रहे हैं? गुरु जी के उस स्वरूप के जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनके आप चित्र ले रहे हैं आपके हाथ में, समझे नहीं? उस स्वरूप की सेवा आपको अनुभव हो रहे हैं। वास्तविकता में तो गुरुदेव राधा रानी की, ठाकुर जी की सेवा में है, उस सेवा का दर्शन नहीं हो रहा है। और उस सेवा का आभास भी नहीं हो रहा, दर्शन तो बड़ी आगे की बात, उसका आभास भी नहीं हो रहा है। योग माया की कृपा होने से हमें हमारे गुरुदेव का इस संसार में, जो कि महामाया के समय में, महामाया की लीला के बीच में गुरुदेव ने जो योग माया का प्रकाश किया था, ध्यान देना, अद्भुत शब्द है, कई शब्द आते हैं, महामाया की इस संसार की लीला में योग माया का गुरुदेव ने प्रदर्शन किया, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय की भक्ति का इस जगत में प्रकाश किया। वो जो प्रकाश किया वो महामाया के पास में स्टोर है, उनका एक एक श्वास, शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक एक श्वास, जो समय बिताया वो 93-94 वर्ष महामाया योग माया के पास स्टोर है। क्यों? सब जीवों का ऐसा ही होता होगा? नहीं, सब जीवों का नहीं होता ऐसा, सब जीवों का नहीं होता ऐसा। विशेष करके जो भगवत पार्षद इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, देवी मां उसकी रिकॉर्डिंग करती है और उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ जो होते हैं वो रिकॉर्डेड हो जाता है ऑलरेडी, बना तो एक की वीडियो हो रही लेकिन अगल बगल वालों का भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो अगर हमने पूर्णतया गुरुजी की प्रसन्नता की भावना से एक भी क्षण बिताया होगा गुरुजी के साथ में, गुरुजी के साथ में अपनी फोटो खिंचाने के लिए नहीं, गुरुजी के साथ अपना कुछ अनुभव जहाँ दिखलाने के लिए नहीं, गुरुजी की भावना में बहते हुए अगर हमने एक भी पल बिताया होगा, वो डेफिनेटली उनके पास स्टोर है। और वैसे भी ये बात तो छोड़ दीजिए, गुरु और भगवान के पास में रहना और उनके साथ में करना, ये स्टोर होता है, इसको तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक जितने जीव हैं उन जीवों की प्रत्येक क्रिया महामाया की इस प्रकृति के अंदर स्टोर होती है, परंतु विशेष करके भगवत भक्तों के साथ में
जो होता है वो अनुभव गम्य होता है, उस जीव के अनुभव में आता है जो जीव उनसे जुड़ना चाहता है। समझे नहीं? तो इसलिए योग माया क्या करती है, वही महामाया योग माया स्वरूप से क्या करती है, उस जीव के हृदय में गुरुदेव की कुछ लीलाओं का और कुछ नहीं की हुई लीलाओं का इसी शरीर वाली अनुभव कराती है। नहीं की हुई लीलाओं का अनुभव मतलब उस वक्त उस स्थिति में उस जीव को जिस भी प्रश्न का समाधान करना है उसका समाधान गुरुदेव के द्वारा कराते हैं। मेरे को किसी ने बोला, महाराज जी आप हमारे सपने में आते हैं। मैंने कहा देखो वो आपकी भावना है, आप जिसका ज्यादा सोचोगे वो आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। कुत्ते को सोचते रहो कुत्ता आएगा, बिल्ली को सोचते रहो बिल्ली, हमको सोचते हो हमारे, हम तो आपके आए नहीं सपने में, हम तो गए नहीं यहां से। तो ऐसे ही क्या गुरुजी का स्वप्न आता है? प्रश्न ये है, क्या इसी प्रकार से गुरुदेव आते हैं सपने में? जी नहीं, शरीर का नाश होने के बाद में, शरीर के जाने के बाद में जब जीव भगवान को चाहता है, गुरुदेव के अनुगत्य में, गुरुदेव के संस्मरण में, गुरुदेव के साथ युक्त हो करके, तब जीव को अनुभव होता है। आप समझे नहीं ये बात? हम लोग अगल बगल में देख रहे हैं, हम गुरुजी को नहीं देख रहे। अगल बगल देखना बंद करो, बहुत कुछ दिखाई देगा, दिखाई देगा, ध्यान मत दो। पहले ध्यान देते देते युग बीत गया, अब ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। अब ध्यान में लेके आओ गुरुजी की बातों को, गुरुजी के चलन को, कोई चित्र देखो गुरुजी का, कोई वीडियो देखो गुरुजी की, वो पूरी मत देखो, उसके अंदर गुरुजी हाँ गौर कर रहे हैं। पूरी जब देखनी तब देखो, लेकिन हाँ गौर कर रहे हैं, और आप हरे कृष्ण कर रहे हो। गुरुदेव ने कहा नित्यानंद कहा गौर हरी, ये कर रहे हैं। ये दो पल का जो ये गुरुजी का जो नृत्य है उसको आप अपनी आंखों में अंतकर्ण में बसाते हुए हरे कृष्ण गुरुदेव हमें भी अपने संग में ले लो। समर्पण में भी हमारा एक प्राकृत क्रिया, प्राकृत मतलब शारीरिक क्रिया भी बहुत महत्व रखती है, शारीरिक क्रिया भी बहुत महत्व रखती है। उदाहरण के लिए अभी प्रभु जी हैं, मैं इनका हाथ पकड़ूं और पकड़ करके हृदय से, ये भी मेरे को अपना हाथ हृदय से पकड़ाएं, पकड़ करके मैं हृदय से गुरुदेव के सामने बैठूं और ठाकुर जी के सामने बैठूं, गुरु मंत्रों का जाप करते 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 कहूं कि हे गुरुदेव आज से आज तक का जो संबंध था इनसे मेरा वो मैं आज समर्पण करता हूं आपको। ये भी कहें गुरुदेव आज तक मेरा इनसे जो संबंध था वो सारा संबंध आज हम मैं करता हूं समर्पण, आज से ये आपके हैं मेरे नहीं हैं। ये पति पत्नी के लिए है विशेष करके, गुरु शिष्य के लिए है विशेष करके। एक बार स्विच ऑन ऑफ कर दो। जब गुरुदेव किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं तो उस वक्त करते क्या हैं, क्या करते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि तुम गुरु पूजा करना, हम तुम्हारे सपने में आएगा, चिंता नहीं करो हम है, कभी नहीं बोलते। क्या करते? गले में तुलसी डालते हैं, मंत्र के द्वारा हाथ पकड़ते हैं। हमारे गुरुगण फिजिकल हाथों को नहीं पकड़ते, मंत्र के द्वारा हाथ पकड़ते हैं, और तुम संकल्प के द्वारा हाथ पकड़ाते हो। वो शिक्षा देते तुमने ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना ये करना ये करना ये करना ये नहीं करना,
संसार से छुड़ाने की बात करते हैं, भाई छोड़ छोड़ छोड़, ये करना पकड़ने का कार्य है। तो गुरुदेव का अपनी सेवा में लगाने का कभी कोई तुकी नहीं है, उठा करके भगवान की सेवा में लगा देते, समझे। तो इसलिए योग माया का भी यही कार्य है। और उस योग माया की, उस योग माया की एक विशेष लीला है, वो कृष्ण के साथ भी है, राधा रानी के साथ भी। राधा रानी के साथ में सखी स्वरूपा है, कृष्ण के साथ में वैभवशालिनी है। मतलब जगत का प्रकाश करना, ब्रह्मांडों की संरचना करना, ये सारा उसका काम गोपी स्वरूप से, गोपी स्वरूपा राधा रानी की हर लीला की पुष्टि करने वाली, सखियों के हृदय में भाव भरने वाली, उन भावनाओं में बहते हुए जो जीव हैं उनके हृदय में राधा गोविंद जी की, राधा गोपीनाथ जी की, जहाँ कोई भी भगवत स्वरूप की लीला का प्रकाश करने वाले, ये योग माया का कार्य है। तात्विक दृष्टि से एक ही है, हाथ तो मेरा ही है ना, ये अभी किसी और का हुआ, इससे मैं पकड़ तो नहीं सकता, तुम पकड़ना चाहो तो पकड़ लो, मैं नहीं पकड़ सकता, इससे मैं पकड़ सकता हूं। तो जो भगवान के उन्मुख कर दे वो योग माया, जो विमुख रखे, रखती नहीं बेचारी, बड़ी सरल बड़ी सीधी महामाया, इतनी प्यारी है, आहा बड़ी दयालु है, हम ही मूर्ख हैं कि हम जो ठाकुर जी को नहीं चाह रहे, हम इधर उधर उसके बनाए हुए खेलों में फंस रहे हैं, हमारी ही वो कमी है। वो तो बड़ी कृपालु, कभी किसी जीव की भगवत भक्ति करने के समय परीक्षा ही नहीं लेती, हम ही लोग जो है चलाकियां करते हैं और महामाया के अंदर अपनी माया फैलाने की कोशिश करते हैं। तो महामाया कहती है, अब ये महामाया तो इतनी भोली है, बड़े भाई के साथ में अगर कोई खेल रहा है ना तो उसके बीच में जाती नहीं, मतलब कृष्ण के साथ में अगर कोई, राधा जी के साथ में अगर कोई वार्तालाप कर रहा है, जहाँ सुन रहा है सुना रहा है, तो वो बीच में नहीं आते, बड़े भैया के पास। और अगर बहन छोटी के पास कोई खेल रहा है, महामाया के साथ खेले, तो कृष्ण भी नहीं आते, खेलते रहो। ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी प्यारी सी है। माया महामाया की जो क्रिया है इस जगत में वो माया कहलाती है। है तो एक ही बात, शब्द एक ही है, सूरज का आभास, सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश, सूरज का, ऐसे ही है तो एक ही। वो माया मतलब वो प्रभाव बाहर वाला, एक नहीं है, क्योंकि महामाया जो है वो तो जगत जननी है। आपको जगत जननी जिस दिन पकड़ लिया कल्याण हो जाएगा, आपको तो उसकी छाया में खेली जा रहे हो, और रुपयों में खेली जा रहे, वो तो है ही नहीं वो महामाया। भगवान की सेवा में ले जाए योग माया, भगवान की सेवा के विमुख जितने भी जगत है उनको प्रकट करने वाली महामाया, और उस महामाया में महामाया का प्रकाश माया, वो प्रकाश क्या है, किस रूप में है, स्त्री के रूप में है, प्रतिष्ठा के रूप में है, और पैसे के रूप में है, मूल रूप से ये तीनों में। शरीर मन और वाणी के प्रति आसक्ति, या शरीर मन और वाणी को ही प्रमुख समझते हुए सारी क्रियाओं को करने वाला जो जीव है,
वो महामाया की माया में फंसा हुआ है, ठीक है जी, जादूगर के जादू में फंसा हुआ, मोटे शब्दों में समझने के लिए जादूगर जादू ऐसे। ऐसा कुछ नहीं, माया आसक्तियां छूट गई है तो वो महामाया की छाया ना, आसक्तियां छूट गई उसमें। जैसे अभी हम प्रकाश में तो ऑलरेडी है ही हैं, सूरज के प्रकाश में है ना ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलेंगे किरणें अंदर आने लग गई अब तो, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी दक्षिण में आएगा, यहां से सीधी किरणें मुंह पे पड़ेंगे, तो ये है कि ये तो मैंने शब्दिक रूप से कुछ एक आपको बोला, प्रैक्टिकली क्या है, जो महामाया है वो तो बड़ी कृपालु है, मैंने वो बताया ना, कोई खेल रहा है छोटी बहन के साथ महामाया के साथ में, जिसको भगवान ने कहा तू अंबिका होगी अंबालिका होगी, तेरे को लोग दुर्गा कहेंगे, तेरे को कात्यायनी कहेंगे, इत्यादि भगवान ने उनको नाम दिए हैं, देवी है। हाँ उनको नाम दिए भगवान ने जब प्रकट होने से पहले, जाओ जा करके तुम जो है कंस के कारागार में प्रकट हो, तो वो जो आशीर्वाद दिया है तुम्हें जगत में पूजा जाएगा वो महामाया ही है, और वह योगमाया भी है। योगमाया तब जब आप जुड़ना चाहो, मेरे भाई के साथ जा रहा है, कोई गड़बड़ी मत करो रे, जाने दे उसको, अरे कोई गड़बड़ी नहीं, मेरी माया को हटाओ इससे, याद दीजिए ध्यान देना, महामाया कितनी प्यारी है वो योग माया वही है, महामाया कितनी प्यारी कितनी भोली कितनी सरल है कि बड़े भाई के पास में जा रहा है, ए उसको कोई मत तंग करो, क्या तंग ना करो, कहते रुपए पैसे का उसके ऊपर झंझट डाल रखा, हटा रुपए पैसे को यहां से, माया अपने पुत्र परिजनों में फंसा हुआ, हटा इसको पुत्र परिजनों के प्रति से आसक्ति। ये जो कृष्ण की सेवा में निष्कपटता से जाना चाहता है तो महामाया वहां पर अपनी माया को, उसका नाम योग माया, उसी का नाम फिर योग माया कहलाता है, ठीक, ये बात। और उन योग माया के दो रूप मैंने बोले थे, एक रूप है अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति लय करने वाली ब्रह्मांडोदरी नाम, क्या नाम, ब्रह्मांड, सेम सेम, योग माया का मतलब समझने वाली बात है, भगवान की तरफ जो है मैंने बार बार एक बात ये और ये, जिसने भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित किया, नियोजित तो ऐसे करेंगे, नियोजित किया है योग माया, जोड़ने वाली योग माया, उल्टा वही सेम, तो अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करना महामाया का काम हो गया, और वैकुंठों को प्रकट करना वो योगमाया का काम हो गया। बलदेव उनका एक नाम ब्रह्मांडोदरी है, ब्रह्मांड जिनके उधर से प्रकट हो रहे हैं, जिसको गर्भोदिशा विष्णु कहते हैं, वहां शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है, ये हम लोगों को समझने के लिए प्रॉब्लम हो जाती, शक्ति शक्तिमान से अलग है, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है, सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं है, एक ही तत्व है, एक ही साथ है, इस दृष्टि से समझे। और एक जो है जो राधा रानी की सेवा में है, जहां लक्ष्मी जी के साथ में है, जहां भगवान के अन्य अवतारों में भगवत सेवा के आनंद के वर्धन के लिए है, वो है योग माया, ठीक है जी, वो योग माया गोपी स्वरूपा श्री राधा रानी के साथ हैं, वहां शुद्ध स्वरूप है उनका, लीला विस्तारणी है, अष्टगोपियां राधा रानी से प्रकट हुई तो अष्टगोपियों के अंदर भगवान को आनंद देने के लिए 16 तरह के विकार आए, एक एक गोपी के अंदर 16-16 भाव आए, और वह आगे की भावों के प्रकट होने से
सब सखियां प्रकट हुई, एक एक सखी की, फिर उन सखियों की फिर मंजरियां प्रकट हुई, उन मंजरियों की हजार हजार किंक्रियां, ऐसे करके ये विस्तार है। क्या बोलेंगे वो समझ में नहीं आएगा इतना ज्यादा बोलने पे, यही नहीं समझ में आ रहा है तो आगे क्या समझेंगे, है ना। क्योंकि जितना मुझे समझ में आया वो मैं समझा नहीं सकता, प्रॉब्लम तो ये है ना, ना मेरे पास नहीं शब्द भाई, जो आता है वो दिमाग में जितना आता है, जो अनुभव में होता है वो दिमाग में आता है, दिमाग में जो होता है मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा जो शब्द होते हैं वो शब्दों में इस संसार का ही उदाहरण देना पड़ता है, आध्यात्मिक उदाहरण एक भी कभी भी दिया नहीं गया है। जितने भी शास्त्र हैं उनमें कोई भी दिव्य उदाहरण दिया नहीं गया है, जितने भी शास्त्रों में लीला है उनमें जो भी लीलाओं का वर्णन है, इस जगत की लीलाओं का वर्णन है, गोलोक धाम की लीला का जो वर्णन है गोपाल चंपू इत्यादि ग्रंथों में कहीं कहीं, उस लीला में कोई अविरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बुद्धि को रोक लीजिए इधर उधर भागने से। उसमें विरोध नहीं है, अवरोध नहीं है, मतलब वहां ना भविष्य है ना कल ये हुआ था वो है, वहां वर्तमान है, तो वर्तमान में लीला कहां से होगी। समझ नहीं आई ना बात, ये मैं पूछ लेऊंगा, बताओ जवाब दो। वो नहीं, वो नहीं जो मैं लास्ट वाली बात बोली, वर्तमान भूत भविष्यत वर्तमान है, इसमें से ना भूत है ना भविष्य है, जहां केवल वर्तमान लीला है उसको कोई है मैं समझा सकता हूं, जहां कोई भी शास्त्रकार भगवत पार्षद ने समझाया है नहीं समझा सकते, आपके पास उदाहरण है ही नहीं उसका। इस जगत में जो भी चीज समझाई जा रही है वो आपकी बुद्धि को समझ में आ जाए उन्हीं शब्दों को बोला जा रहा है, संसार का उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। हमारी बुद्धि में क्या आता है नित्य लीला का मतलब, हर रोज ऐसी लीला कर रहे होंगे, ना है ही नहीं ऐसा, हर रोज वो नित्य लीला कर रहे होंगे ये हमारी तरह रूटीन काम नहीं है वहां पे, वहां का एक क्षण, आज बात कर रहा है, वहां का एक क्षण ब्रह्मांडों की लय प्रलय हो जाए, समझे बाबूजी। अबे यही तो बात है, वहां का क्षण इतना बड़ा है और उस क्षण में करोड़ों बार ठाकुर जी क्या इस धरातल पे आते रहेंगे, अनंत बार कहेंगे फिर तो, ये बहुत विचित्र है। मैं वही आपको बता रहा हूं, उस जगत की कोई एक बात बताने के लिए शब्द नहीं है, खोजने पड़ते हैं, और वो खोजने पे भी भगवान कृपा करके जो शब्द भेज देते हैं ना उन्हीं से हम समझ पाते हैं, बोलो वृंदावन। तो इसलिए भगवान की लीला में, राधा गोविंद जी की लीला में वही योग माया गोपी स्वरूपा है, गोविंद की लीला में यही वही योग माया बलदेव स्वरूपनी है। अब ये योग माया जो गोपी स्वरूप है, स्वयं श्री राधा रानी इनमें श्रेष्ठ हैं। उन राधा रानी उन अल्लाधिनी शक्ति का कल को प्राकट्य हुआ, हमारे यहां पे रोज प्रकट्य हो रहा है, मतलब कल प्रकट्य उनका प्रकट दिन था, और देवताओं के लिए हर रोज हो रहा है, ऐसे कैसे है? क्योंकि देवताओं का एक दिन हमारा एक साल हो जाता है, उनकी रोजाना हर रोज उनके वामन अवतार, ये अवतार वो अवतार, भगवान का राम अवतार नरसिंह अवतार, एक दिन उनका बीतता नहीं है उसमें सारे अवतार हो लेते, बोलो वृंदावन।
बात समझ रहे हैं? अब क्या समझाएं? नहीं नहीं, एक बात समझाने वाले कि उनके यहाँ पे तो रोज हो रहा है एकादशी व्रत वगैरह, जितने उपवास हैं ये कोई देवी देवताओं के लिए नहीं है, ये सारे हमारे लिए ही है। ना 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 ना, इसलिए तरसते हैं कि यहाँ साधन कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, इसलिए तरसते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरों पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुं मोहि हरहुं कलेश विकार सियावर राम मेरे प्रभु राम सीता राम। तो क्या बोला था? प्रश्न उन्होंने जो किया, देख इसका दिमाग खराब है क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहुं लोक उदार राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये पवन ही है जो हमारी बुद्धि के विकारों में हलचल पैदा करती है, इसलिए पवन जी को याद करने से, उनके सुत को याद करने से शांति मिल जाती है। वृंदावन। प्रश्न जो आया, मेरे को मालूम हमारे श्रोतागण जो हैं वो ऐसा नहीं लगता कि वो कहें कि महाराज जी जल्दी जल्दी ख़त्म करें, जानता हूँ उनको तकलीफ होती है जल्दी ख़त्म करने से, लेकिन टाइम पे अगर मैं रहूँगा तब तुम लोग भी टाइम पे रहोगे, इसीलिए मैं बीच में जो है समय से ख़त्म करता हूँ। प्रश्न आया है, देवता क्यों तरसते हैं? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, क्या है इससे पहले की लाइन? मनुष्य तन क्या पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, छुपाइयां नहीं याद। कहते हैं कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? ध्यान देना, देवताओं का एक दिन भोगमय जीवन जिस दिन जो है उसमें कितने भगवत अवतार आ गए, एक भी उपवास कर पाए वो? अगर उपवास करेंगे तो मर जाएंगे बेचारे। एकादशियां आ गई, 24 की 24 एकादशियां 24 घंटों के अंदर उनके आ गई, 26 एकादशियां, तो व्रत कब करेंगे, खोलेंगे कब? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य जीवन है, साधन का धाम है। इतने साधन कर सकते हैं, इतने साधन कर सकते हैं कि दरवाजे खुल जाएं सारे के सारे, ये जरूरी है। वृंदावन वंश कल्पतरु पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो।